बहरौर में बिग बॉस विजेता एलविश यादव के कार्यक्रम में अचानक भगदड़ मच गई। इस दौरान हालात को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तो वही मामले में कुछ युवाओं को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि कार्यक्रम की परमिशन ली गई थी और मौके पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इस पूरे मामले की रिपोर्ट अभी मंगवाई गई है। वही आपको ये भी बता दें कि संतोष चैरिटेबल ट्रस्ट के 9 साल पूरे होने पर बहरौर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें संस्था से जुड़ी हुई महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिग बॉस के विजेता एलविश यादव मौजूद रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में युवाओं की भीड़ मौजूद रही। युवाओं की भीड़ देखकर एलविश यादव खुश नजर आए। वो पहली बार बिग बॉस विनर के बाद अलवर आए थे। कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू होने लग गई। ऐसे में एलविश यादव को कार्यक्रम के बीच में ही उसे छोड़ करके जाना पड़ा। एलविश ने कहा कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, वहीं लोगों से भी अपनी सेहत पर ध्यान रखने को कहा। इसी के साथ ही एलविश यादव के जाते समय युवाओं ने उनकी फोटो और उनके साथ सेल्फी लेने को लेकर होड़ मच गई। युवाओं ने एलविश यादव की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। युवा एलविश से मिलना चाहते थे, उसके बाद सेल्फी और फोटो लेना चाहते थे। इस दौरान हालात पर कंट्रोल करने और युवाओं को एनबीसी गाड़ी से दूर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के हल्के बल का प्रयोग करते ही कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। युवा इधर उधर भागने लग गए, तो इस दौरान कुछ युवा जमीन पर भी गिर गए। घटना में युवाओं को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। हालांकि कुछ देर बाद हालात काबू पा लिया। इस संबंध में कोटपुतली बहरौर जिले की एसपी डॉक्टर रंजिता शर्मा ने कहा है कि पूरे मामले की रिपोर्ट डिप्टी एसपी से मंगवाई जा रही है। जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हालांकि घटना में किसी के हताहत और घायल होने की कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद भी बताए जा रहे थे। वही आपको बता दें कि एलविश यादव समाज से आते हैं और बहरौर यादव समाज का ही गढ़ माना जाता है, इसलिए एलविश यादव को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। तो समाज के हजारों युवा एलविश को देख करके काफी खुश नजर आए।